एकता कपूर के प्रोडक्शन में बने कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य ऐसे दो बड़े शोज हैं जिसे दर्शकों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अब कुंडली भाग्य के फैंस को काफी गहरा झटका लगने वाला है, क्योंकि शो में प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या के पति की भूमिका निभाने वाले करण यानी कि धीरज धूपर ने 5 साल तक करण लूथरा के रोल को निभाने के बाद अब वे जल्द ही पॉपुलर सीरियल कुमकुम भाग्य को अलविदा कहने वाले हैं। कुंडली भाग्य शो के फैंस धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या को करण व प्रीता के रूप में बेहद ही ज्यादा पसंद करते हैं और दोनों ना सिर्फ इस शो में अपनी नोकझोंक और रोमांस से लोगों को एंटरटेन करते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इन दोनों की जोड़ी को फैंस के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। कैसा शक्ल बना दू? नहीं नहीं, जब बाल ठीक है। लेकिन अब जोड़ी जल्द ही टूटने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनने में आ रहा है कि एक्टर धीरज धूपर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि धीरज धूपर जल्द ही पंजाबी फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि इस बात की जानकारी अभी धीरज ने नहीं दी है। इतना ही नहीं, सुनने में यह भी आ रहा है कि धीरज धूपर के शो से जाने के बाद उनकी जगह शक्ति अरोरा की शो में एंट्री होने वाली है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये है आशिकी, सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे शोज में काम कर चुके एक्टर शक्ति अरोड़ा टेलीविजन की दुनिया का एक जाना माना नाम है। वहीं इन सब के बीच कुछ दिन पहले श्रद्धा आर्या ने अपने को स्टार धीरज धूपर के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, बड़ा दुख दीना। वहीं श्रद्धा की इस पोस्ट पर धीरज ने लिखा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज करण। वहीं हम बता दें, धीरज धूपर जल्द ही पिता बनने वाले हैं और इस समय वे अपना पूरा टाइम अपनी वाइफ एक्ट्रेस विनी अरोड़ा के साथ ही बिताना चाहते हैं। अभी बीते दिनों धीरज ने अपनी वाइफ विनी अरोड़ा के लिए बेबी शावर को भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उनके कई करीबी दोस्त व कुंडली भाग्य के उनके कई को स्टार शामिल हुए। दोस्तों, आपको धीरज धूपर के इतने सालों तक कुंडली भाग्य शो में देखने के बाद अब उनके शो को छोड़ने की जानकारी सुनकर कैसा लगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।